राधे राधे गुरु जी, मैं राधे राधे से हूँ जी। राधे, मेरे दो क्वेश्चन है। हाँ हाँ, दो नहीं तीन पूछे, कोई बात नहीं। मैं ये मतलब मुझे ना सपने बहुत आते हैं, मतलब रोज आते हैं। क्या आता है सपने में? सपने में पानी सबसे ज्यादा देखती हूँ। पानी? हाँ, पानी देखना स्वप्न में बहुत शुभ होता है। मतलब पानी देखना, पानी में आप चलते हुए देखते हैं अपने आप को? हाँ, चलती हुई देखती हूँ। हाँ, तो पानी में चलते हुए देखने से मतलब आपके जीवन में बहुत तरक्की होने वाली है, बहुत विकास होने वाला है, आपका ये संकेत है। और एक्चुअली मेरी मदर बहुत मतलब 8-9 साल हो गए उनको एक्सपायर हुए। आपकी माँ को? हाँ जी, तो मैं उनको देखती हूँ सपने में। तो फिर उनके लिए आपके भाई आपके पिताजी हैं? हाँ, मेरे साथ आए। तो उनसे बोलिएगा कि उनके निमित्त वो गया में श्राद्ध करें या फिर कुछ करें उनके निमित्त, ठीक है? ठीक है। तो फिर उनका उद्धार होगा, उनकी सदगति होगी। और कोई सवाल? आप कथा सुनते हैं? हाँ जी। अच्छी लगी आपको कथा? बहुत ज़्यादा। क्या अच्छा लगा? मुझे सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मतलब मैं दुखी रहती थी, ये सब भी नहीं, परेशान रहती थी मन, मतलब अब तो बहुत सही लगता है, मतलब सब कुछ अच्छा लगता है। अब पॉजिटिव रहते हैं आप? हाँ, एकदम पॉजिटिव। ऊपर वृद्ध माओं का दर्शन किया आपने? हाँ जी किया। कैसा लगा ऊपर माओं से मिलके? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। तो टीवी पर जैसा सुनते हैं आप लोग, वैसी पाए के नहीं? हाँ, वृद्ध माओं के दर्शन करके। हाँ बिल्कुल। सुंदर, खुश रही। श्री राधे राधे गुरु जी। मैया जी राधे राधे। आपके कथा मैं बहुत अच्छा सुनती हूँ। इसमें सुनूं कि दान, अन्न दान बहुत बड़ा दान है। अन्न दान सबसे बड़ा दान है जी। तो मैं वहाँ तो थोड़ा बहुत दान करती हूँ, बाकी यहाँ महीने महीने 2100 रुपया संत लोग के लिए हम दान करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अन्न दान के लिए, ठीक है। और मेरे सवाल था, हाँ, कि जैसे कि गुरुदेव को जो इष्ट होते हैं वही मतलब शिष्य को भी होंगे? क्या होंगे? मैंने इष्ट जो होते हैं भगवान। हाँ, इष्ट श्रीमन नारायण है, मानो कि नारायण इष्ट है, ठीक है। तो हम तो गायत्री मंत्र लिए हैं। अच्छा। तो 2005 से लिए हैं। आप लोग श्रीमन नारायण का जाप करो। अच्छा। हाँ, तो केवल श्रीमन नारायण। तो गुरुदेव तो वही है, मंत्र मतलब वही जाप करते हैं, बाकी आराध्य मतलब इष्ट के माने हैं। किन को इष्ट कौन है आपके? कृष्ण भगवान। हाँ ठीक है। तो जैसे कि मंत्र लिए ऐसा कृष्ण भगवान को फोटो रख के ऐसे अपना गुरुदेव के ध्यान दे के मंत्र ऐसा मतलब लिए थे। पहले तो अज्ञान थे तो जो गुरु का इष्ट है वही हो गए, बाकी अब थोड़ा कथा सुनते सुनते मतलब प्रेम प्यार ज़्यादा हो गया हमारे कृष्ण भगवान से। हाँ, अच्छा। तो इसलिए उन्हीं को हम आराध्य मानते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम बोला करो। क्या बोलेंगे? श्री कृष्ण शरणम मम, इसका अर्थ हुआ हे भगवान श्री कृष्ण हम आपकी शरण में है, हे श्री कृष्ण हम आपकी। तो ऐसा हो सकता है जो? हाँ जी, हो सकता है बिल्कुल। भगवान की शरण में जाने से ही हम सबका कल्याण है, दूसरा कोई ऑप्शन तो नहीं। गुरुदेव पार लगा सकते हैं? हाँ जी, गुरु जी तो ठीक है, भगवान ही पार लगाएंगे सबको। गुरु केवल भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग है, लगाना पार भगवान को ही है। अच्छा, ठीक है। एक सवाल आ है गुरुदेव, जैसे कि पितरन देव होते हैं, दादा परदादा कब के मतलब गुजरे हुए, तो उन लोग को जन्म नहीं होता है, वही रहते हैं क्या? नहीं नहीं, सबका जन्म हो जाता है, सब जो तो गुजर गए हो गए। तो पितरन कैसे कहते हैं कि वहाँ पितरन? वो पितर ऐसे होते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे जी, तो यहाँ से पितृ लोक होता है जी। यदि हमने पुण्य किया है तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, यदि पाप किया है तो नरक जाएंगे। तो जो नरक चले जाते हैं उनके लिए यदि हम कुछ पुण्य करते हैं तो उनकी सदगति हो जाती है ना। और बहुत ज्यादा पाप किए हैं तो फिर 84 लाख योनियों में यहाँ आ जाते हैं। तो जब हम उनके निमित्त कुछ भी करते हैं तो वो जिस योनि में जहाँ होते हैं उन्हें वो चीज वहाँ मिल जाती है, जिस चीज की उनको जरूरत है हमारे द्वारा किए पिंड दान से। लड़का 19 साल का बच्चा मेरा गुजर गया है जी, तो और ससुर सास इस सब के लिए मैंने पिता पुत्र पितरन दो के लिए लक्ष्मी नारायण यज्ञ करवाएं और भागवत करवाएं उन्हीं को नाम से। हाँ, तो मोक्ष हो गया होगा? हाँ जी बिल्कुल, भगवान की कृपा है।
सबका मोक्ष पिंडदान, और दो ही ऑप्शन हम बता रहे हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो गया में श्राद्ध कीजिए, या तो श्रीमद् भागवत जी की पोथी, तीसरा कोई रास्ता नहीं है मोक्ष का। यदि पितरों के लिए कर रहे हैं तो अच्छा, और अपने लिए तो केवल मैं भगवान का नाम ले लूँगा तो भगवान के नाम केवल भाई भवसागर से पार हो जाएंगे, जैसे अजामिल नाम लेके पार हो गया। इनको ये दे दी, इनको दीजिए। चाहते हैं कि हम लोग एक मिनट तो रुक जाइए, ले लेंगे और पितरन तो कैसे पार होंगे, जो वो हो जाएंगे, आपने उनके निमित्त जो पुण्य करना है वो कर लीजिए, हो जाएगा। इनको माइक दीजिए थोड़ी, एक मिनट। जैसे कि खत्म हो गया था ना कथा, तो फिर पितरन दो उनके मेरे ससुर जो हुए मेरे हस्बैंड को सपना में दिखाएं, उसी दिन जो हाँ। खत्म हुआ ऐसे हाथ देके दिखाएं सपना में जी, सिर पर हाथ उनको रखें, ठीक मेरे, है मेरे पति को, तो ऐसा पूरा हो गया उनको, मतलब मोक्ष हो गया होगा। उसके बाद कोई सपने में तो नहीं आया ना? यदि सपने में नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आभास हो रहा है, तो उनका मोक्ष हो गया। यदि स्वप्न में बार बार आए तो समझ लेना चाहिए, तो नहीं आए हैं। हाँ तो फिर ठीक है, दो महीना के बाद मतलब बउआ ऐसा मतलब आवाज जैसा उनको दिखा सुनाई पड़ा, तो फिर उसके बाद एकदम सपना नहीं आया। फिर कोई बात नहीं, उनका हो गया, फिर कभी दिखाई पड़े तो फिर कुछ सोच लेना। मेरा बच्चा के भी हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा मैया जी, हो गया होगा।